नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम सीवी पर। आप देख रहे हैं मेरे साथ सिलसिला बाजार का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजार का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। तो बिनौला खल का मार्च वायदा देख रहे हैं 3050 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की करेक्शन है। देख रहे हैं कि जो बिनौला खल का मार्च वायदा है आधे फीसदी की करेक्शन के साथ 3050 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बिनौला खल में हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अभी एक रेंज बाउंड देखने को मिल सकती है, तेजी भी देखने को मिलेगी नो डाउट, लेकिन बिनौला खल में अभी ऊपरी स्तर से जो दबाव बनता नजर आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी किसी कम्योडिटी के जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऊपरी स्तर पर जो खरीदारी होती है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है, उसमें खरीद फरोख थोड़ी कम हो जाती है। उसी की वजह से बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनमें एक अभी हल्की नरमी देखने को मिल रही है, सीमित दायरे में अभी एक कारोबार देखने को मिल रहा है बिनौला खल के अंदर। जानकारों के मुताबिक जब तक बिनौला खल के जो प्राइसेस 3450 के ऊपर नहीं निकलते हैं तब तक बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनमें एक ऐसी रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। दूसरा, मार्च महीने में बताया था जानकारों ने कि मार्च 2022 में बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनमें शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है। तो मार्च भी अब स्टार्ट, आज 28 फरवरी हो गई है, मार्च भी अब स्टार्ट ही हो चुका है लगभग, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या बिनौला खल 3400 का लेवल यहाँ से पार कर पाता है या नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर बात करें अगर हरे चारे की, तो हरे चारे की जो कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो पशुओं के ऊपर जो लागत आती है किसानों की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर किसान पशु के ऊपर कह सकते हैं कि अगर इन्वेस्ट कम करते हैं, निवेश कम करते हैं, हरा चारा कम खिलाया जाता है, तो उसका पूरा पूरा असर दूध की सप्लाई पर पड़ता है। पशु इतना दूध नहीं दे पाते अगर उनके ऊपर उनको अच्छा चारा नहीं खिलाया जाता है, सही से नहीं खिलाया जाता है, खान पान में कमी रहती है, तो उसका असर उनके दूध पर भी पड़ता है, दूध की कम निकलता है। और बिनौला खली एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो ऐसे में पशुओं के काम आ सकता है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड बिनौला खल की थोड़ी निकल सकती है अगर ऐसा सिनेरियो बनता नजर आता है। बिनौला खल में भी जानकार अभी ओवरऑल तेजी वाला ही रुझान बता रहे हैं। 3400-3450 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो ब्रेक होता है और वहाँ पे कीमतें सस्टेन होती हैं तो बिनौला खल में आगे और शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है। बात करें यहाँ से अगर आप कॉटन की, तो कॉटन में देख रहे हैं कि जो मार्च वायदा है आज भी हफ्ते के पहले कारोबार दिन 1% की करेक्शन के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। 36,350 पर कॉटन का मार्च वायदा MCX पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। देख रहे हैं कॉटन की कीमतें 38,000-39,000 के लेवल तोड़ने के बाद अभी एक नरमी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है, 1% की करेक्शन देखने को मिल रही है। जानकारों के मुताबिक कॉटन में अभी जो करेक्शन है थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल्स है मजबूती की ओर है, लोअर लेवल से बाइंग भी इनिशिएट जरूर होगी। यहां से अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम यहां से कैसे सीड की। तो हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का मार्च वायदा 6900 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6912 का ही लगा चुका है। कैसे सीड भी अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहां से तेजी की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है, जो कि काफी अच्छी खबर है। लेकिन अराइवल्स का प्रेशर जहां एक बार मार्केट में बना, बाजार में जहां पे आवकों का दबाव बना, जो कैसर की जो वायदा बाजार की जो मार्केट है वो भी लुढ़क जाएगी, कीमतों में गिरावट भी आएगी। लेकिन कैसर का जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन 3 साल में कम रह सकता है, उसकी वजह से कैसर का जो फंडामेंटल्स हैं स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक डिमांड भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी, उसकी वजह से भी कैसर की जो कीमतें हैं उनमें आगे बढ़त देखने को मिल सकती है। जानकारों के मुताबिक कैस्टर 7000 का आंकड़ा फिर से दिखा सकता है, इनफैक्ट उसको पार भी कर सकता है। और कैस्टर में हम देखेंगे कि कुछ ही समय के अंदर 7200 से 7300 के बीच जो लेवल्स हैं कैस्टर में वो भी देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे यहां से अब मसाला कॉम्प्लेक्स की। देख रहे हैं कि धनिया का अप्रैल वायदा 10,934 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.25% की करेक्शन हम देख रहे हैं कि धनिया में देखने को मिल रही है। बात करें यहां से जीरे की, तो जीरे का मार्च वायदा देख रहे हैं 21,070 पर ट्रेड कर रहा है, जीरा भी लुढ़क चुका है, 3.5% की करेक्शन जीरे में बनती नजर आ रही है। हाँ, बात करें हल्दी की, तो हल्दी का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 9,200 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, हल्दी में 1% की करेक्शन है। देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मसालों का बाजार लुढ़कता नजर आ रहा है, ऊपरी स्तर से दबाव बनता नजर आ रहा है।
मसालों में देखा जाए तो वैसे फंडामेंटल्स तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली धनिया और जीरे के, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रही है, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, घमासान युद्ध में तब्दील होती जा रही है, उसकी वजह से यूरोप भी इसमें बीच में फंसा हुआ है। और अब ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूरोप की तरफ से भारतीय मसालों की जो मांग है वो प्रभावित हो सकती है। पहले ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं बने थे, लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई भड़क गई है और ज्यादा, उसकी वजह से यूरोप की तरफ से जो भारतीय मसालों की मांग है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है, अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि धनिया, जीरा और हल्दी तीनों मसाला में एक गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट डिमांड की जो अटकलें लगाई जा रही थी कि एक्सपोर्ट में अच्छी तेजी बढ़त देखने को मिलेगी, अब रशिया और यूक्रेन के चलते, इन दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके चलते, उसकी वजह से जो निर्यात मांग है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है। रूपा जी से जान लेते हैं, जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या थोड़ी और गहराएगी या फिर इन लेवल्स पे खरीदारी करने में रहा जा सकता है? रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि एक गिरावट देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों से, जीरा हो, हल्दी हो, चाहे धनिया हो, तीनों ही मसाले लुढ़क चुके हैं। सबसे ज्यादा गिरावट देख रहे हैं जीरे के अंदर देखने को मिली है 3.5% की। आपको क्या लगता है, ये जो रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है और उससे जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूरोप से आने वाली डिमांड भारतीय मसालों की वो इंपैक्ट हो सकती है, तो उसका असर अभी बाजारों पर कितना और देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी इसका कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल इम्पैक्ट नहीं है। जरूर एक ये एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड जो है वो कम हो सकती है, जिसके चलते कीमतों के ऊपर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसी की वजह से हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़के हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार संभलते हुए नजर आएंगे, और बल्कि ये जो गिरावट आ रही है ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस गिरावट के अंदर खरीदारी की तरफ रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि आगे चलकर मसालों में तेजी का रुझान बन सकता है। न केवल भारतीय डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारतीय मसालों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में मसालों के अंदर खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए। हल्की फुल्की ये करेक्शन बनी रह सकती है, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शकों का सवाल हमेशा आता रहता है कि मसालों में अगर तेजी है तो खरीदारी के क्या लेवल्स रहेंगे? रूपा जी, आज देख रहे हैं इंट्राडे में काफी ज्यादा गिरावट है मसालों के अंदर, तो आपको क्या लगता है, क्या ये लेवल्स अट्रैक्टिव हैं, क्या ये लेवल्स सही रहेंगे आज गिरावट वाले निचले स्तर पर मसालों में खरीदारी करने के लिए? देखिए, विश्व मसालों की जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट के अंदर खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है, और अब जो लेवल देखने को मिले हैं लेवल के ऊपर फिलहाल खरीदारी करके चला जा सकता है। अगर आपको जीरा 20,500 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाई की जा सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से आगे तक तो फिलहाल जीरे के अंदर खरीदारी की जा सकती है। धनिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आगे चलकर धनिया में भी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो धनिया में भी खरीदारी करके चला जा सकता है। और हल्दी में अच्छी खासी गिरावट आई है, हल्दी अगर 9,000 के नीचे लुढ़कती है तो वहां पर बाई पोजिशन बनाई जा सकती। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर कैसर सीड की, तो कैसर में भी देख रहे हैं 6,900 के ऊपर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कैसर एक बार फिर से 7,000 के पार निकलने के लिए तैयार है? कैसर में भी 7,000 तक के स्तर संभव है देखने को मिल सकते हैं, आगे चलकर डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल इस कमोडिटी में एक रैली देखने को मिल रही है और बाजार लगातार अपनी ऊपरी स्तरों पर सस्ते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 7,000 तक की रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बिनौला खल में क्या लग रहा है? बिनौला खल में देख रहे हैं कि अभी एक रेंज ही देखने को मिल रही है, 3,050 तक नीचे कीमतें जा चुकी हैं, मार्च का भी आगमन हो चुका है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, पहले जो लेवल्स दिए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि मार्च महीने में बिनौला खल में तेजी देखने को मिल सकती है, तो क्या वो अभी भी संभव है? क्योंकि बिनौला खल में फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन अब कम होती हुई दिखाई दे रही है, और बाजार जो है सीमित दायरे में हो चुका है, इनफैक्ट उसी तरह से लुढ़क चुका है। अब वहां से क्योंकि कॉटन और बिनौला खल
इन दोनों की कमोडिटीज में अब गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से तेजी मुझे नहीं सस्टेनेबल लगती है, मुझे लगता है कि दबाव बना रह सकता है, जो तेजी आने की वो आ चुकी है। और अभी देखा जाए तो बाजार जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी 3,000 के नीचे अगर बिनौला का लुढ़कता है तो नीचे में हो सकता है 2,900 से 2,800 का स्तर आता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल बाजारों में एक सीमित दायरे में कारोबार इफेक्टिव है, फिलहाल तेजी की उम्मीद बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स भी देखने लुढ़क चुका है काफी ज्यादा, ग्वार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या टेक्निकल खरीदारी के लिए लोअर लेवल्स की जो अब देखने को मिल रही है वो सही रहेंगे यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करने के लिए? देखिए ग्वार में थोड़ा सा वेट करना चाहिए यहाँ पर बाइंग के लिए, क्योंकि देखिए 10,000 से ऊपर अभी सस्टेन जरूर है, लेकिन अगर 10,000 का लेवल हाई करता है तो गिरावट बढ़ सकती है। तो फिलहाल के लिए 10,000 के स्तर अगर जी रूपा जी बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने बीते कारोबारी सप्ताह सोयाबीन को 7,900 का हाई लगाते हुए देखा था, हालांकि कीमतें ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद फिर 7,600 पर भी ट्रेड करती नजर आई थी मार्च वायदा में। इंटरनेशनली देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन लगातार $1,600 के ऊपर सस्टेन है, ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या यहां से सोयाबीन 8,000 या 8,500 का भी लेवल दिखा सकती है? अब देखिए सोयाबीन में तेजी बनी हुई है और विदेशी बाजारों में भी तेजी का रुझान है, तो इसके मद्देनजर आप मानकर चल सकते हैं कि सोयाबीन में ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके का सिनेरियो है पॉजिटिव है, 10 से 15% का उछाल करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी टॉपिक्स के देना चाहेंगी हफ्ते के पहले कारोबार दिन एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज के अंदर अभी आपको बाइंग में रहना चाहिए। मसालों के अंदर, मसालों में अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और धनिया में काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, धनिया काफी ऊपर लग रहा है, तो 12,000 के स्तरों के लिए धनिया में बाइंग करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबार दिन कम्युनिटी बाजार कैसे खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।